विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच जो लड़ाई हुई है उस पर सबके अपने अपने वर्जन है, सबके अपनी अपनी राय है, लेकिन यहां पर टीम इंडिया के पूर्व कोच और खिलाड़ी भी रह चुके रवि शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है इन दोनों खिलाड़ियों की लड़ाई के ऊपर। रवि शास्त्री ने यह दावा किया है कि भाई मैं इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में सुलह करा सकता हूं, इस लड़ाई को मैं शांत करा सकता हूं। अब कैसे करा सकते हैं शांत, वो भी आपको बताते हैं। रवि शास्त्री ने कहा है कि इन दोनों ही खिलाड़ियों को एक बंद कमरे में बिठाना चाहिए, इन दोनों की बात करवानी चाहिए, साथ में मैं भी होऊंगा वहां पर, यानी कि रवि शास्त्री, और इन दोनों के बीच में जो भी मतभेद है उनको यहां पर खत्म करना चाहिए, क्योंकि आप देखिए बाद में भी ये दोनों खिलाड़ी आमने सामने आएंगे, हो सकता है कि इसी साल प्लेऑफ्स में दोनों टीमें आमने सामने आ जाए, तो चीजें सही होने की बजाय कुछ और तरह से भी खराब हो सकती हैं, तो कहीं ना कहीं आगे चीजें बढ़े इससे पहले इनको यहीं पे शांत कर देना चाहिए, ऐसा रवि शास्त्री ने बोला है। साथ ही साथ रवि शास्त्री ने यह बात भी बोली है कि जब बाद में चाहे गौतम गंभीर हो या फिर विराट कोहली हो, जब इस लड़ाई को देखेंगे तो उनको लगेगा कि कहीं ना कहीं हम इस लड़ाई को, इस जो ये मोमेंट था, इसको कहीं अच्छी तरह से हम हैंडल कर सकते थे, जो कि इन दोनों ही खिलाड़ियों ने नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं बात तो सही है यहाँ पर रवि शास्त्री की, और अगर दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं वो ठीक हो जाते हैं वो क्रिकेट के लिए ही सबसे अच्छी बात रहेगी। रवि शास्त्री के अलावा यहाँ पे सुनील गावस्कर ने भी अपनी राय रखी है इस लड़ाई पर। उन्होंने कहा है कि देखिए ये जो BCCI ने 100% मैच फीस का जो फाइन लगाया, ये फाइन कुछ भी नहीं होता है। उन्होंने काफी गुस्से में नजर आए यहाँ पर लिटिल मास्टर, उन्होंने कहा 100% मैच फीस का फाइन होता क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना तो विराट कोहली को और ना ही गौतम गंभीर को, आपको यहाँ पर और ज्यादा सख्त एक्शन लेना चाहिए था इन दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ, और कहीं ना कहीं इनको एक या दो मैचेस के लिए बैन कर देना चाहिए था। अब आपको क्या लगता है कि क्या BCCI ने विराट कोहली, गौतम गंभीर और नवीन उल हक को हल्के में छोड़ दिया है, या फिर जो उनके ऊपर कार्रवाई की गई है वो पूरी तरह से ठीक है? आपको बता दें ये लड़ाई जो हुई थी गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच में, ये LSG बनाम RCB के मुकाबले के दौरान हुई थी, जहां पर पहले जो लड़ाई हुई वो विराट कोहली और नवीन उल हक के बीच में हुई, लेकिन उसके बाद इसमें विराट कोहली भी शामिल हो गए, अमित मिश्रा भी इसमें बीच बचाव में आए थे, KL राहुल भी आए थे, बाद में फैफ डुप्लेसिस और आपके जो ग्लेन मैक्सवेल है वो भी इसमें शामिल थे। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि इसमें गलती किसकी थी, विराट कोहली की या गौतम गंभीर की, या दोनों थोड़ा सा हीट ऑफ द मोमेंट में जाकर अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाए? ऐसी और वीडियोस के लिए इंडिया टीवी स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।